बेटे की शादी की, बहू घर लाए, अभी दो दिन नहीं गुजरे थे, कारोबार में नुकसान हो गया या घर का कोई फर्द फौत हो गया या कोई जानवर मर गया, तो कहा कि ये मनहूसा आई है तो हमारा ये नुकसान हो गया। अगर वो ना आई होती तो फिर ये नुकसान ना होता, फिर तुम कयामत तक जीना था, या इससे कबल तुम्हारे कभी नुकसान नहीं हुए, तुम्हारे घर के अंदर बेटियां मौजूद हैं, ये भी कल किसी की बहू बनेंगे और उनका भी कोई नुकसान हो सकता है और ये भी मनहूसा करार दी जा सकती है। फिर तानो तशनी के तीर जो है वो उसके ऊपर लगाए जाने लगे, कितनी ज्यादती है, कितना जुल्म है, किसी का दिल तोड़ना, किसी का दिल दुखाना, किसी को मनहूस करार दे देना। आज खुद तुम्हारे पास क्या सनद है, तुम्हें इल्हाम हुआ है, क्या हुज्जत है, क्या दलील है तुम्हारे पास कि किसी को तुमने मनहूस करार दे दिया। कितना मक्कार है इंसान, अपनी बदआमालियों को, अपनी नीयत के खोट को, अपनी नीयत की कोताहियों को, अपनी सुस्तियों को, अपने अमल की कमियों को दूसरे के ऊपर मढ़ देता है। कारोबार तूने सही नहीं किया, नुकसान हो गया, सुबह 12 बजे उठ के तू घर से जा रहा है और नुकसान हो गया, तूने दो नंबर माल बेचा आज पकड़ा गया और नुकसान हो गया, तुमने टैक्स नहीं दिया, तुमने जकात नहीं दी, तुमने दरवाजे पे खड़े हुए साहिल को झिड़का, नुकसान हो गया। ये तुम्हारे पाप हैं जो मुसीबत बन के तुम्हारे सामने आते हैं, ये तुम्हारी बेतदबीरियां हैं, तुम्हारी नाहिकमतियां हैं, ये तुम्हारी बेएहतियातियां हैं, ये तुम्हारा तकब्बुर है, ये तुम्हारा गुरूर है, ये तुम्हारा उजब है, ये तुम्हारी रियाकारी है, ये तुम्हारी खयानत है, ये तुम्हारी धोखाबाजी है, ये तुम्हारे कलब के अंदर छुपी हुई नफरत है जो आज तुम्हें मुसीबत बन के जिसका सामना करना पड़ रहा है, ये तुम्हारे अंदर के ऐब हैं जो मुजस्सम होकर तुम्हारे सामने आए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबे मा कसबत एदीकुम, जो तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती है वह तुम्हारी अपनी करतूतों की वजह से आती है। बीमारी आई तुम्हारे परहेज ना करने की वजह से आई, बीमारी आई तुम्हारा ज्यादा खा लेने की वजह से आई, बीमारी आई तुम्हारा नामुनासिब गजा लेने की वजह से आई, बीमारी आई वक्त पे सोए नहीं, वक्त पे उठे नहीं, तुमने किसी से ज्यादती की, बीमारी तुम्हारी बदआमालियों की सजा है, मुसीबत का आना, तकलीफ का आना तुम्हारी बदआमालियों की सजा है, और मनहूसा ये खानदान की खातून है। तो ये दूसरे के ऊपर मर के अपनी कोताही, अपनी गलती दूसरे के ऊपर लगा दी और उसको मनहूस करार दे दिया। अगर किसी का काम तुम्हें देख करके अच्छा ना हो तो फिर तुम भी मनहूस करार पाए ना। अगर आज तुम किसी की बहन को, किसी की बेटी को मनहूस करार दिया है और खानदान के अंदर उसको मनहूस मशहूर कर दिया है, तो अगर कोई ये मशक तुम्हारी मां पे करे, तुम्हारी बहन को मनहूस करार दे दे, तुम्हारी बेटी को मनहूस करार दे दे, तो तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगी? ये कितना जुल्म है, कितनी बड़ी ज्यादती है कि आज खुद किसी को मनहूस करार दे दिया। कोई मनहूस नहीं है, कोई लम्हा मनहूस नहीं है, कोई शख्स मनहूस नहीं है, कोई वक्त मनहूस नहीं है, कोई घड़ी मनहूस नहीं है। मुसीबत का आना, तकलीफ का आना तुम्हारी बदआमालियों की सजा है। लेकिन कुरान ने क्या खूब बात फरमाई, वयाफू अन कसीर, अभी तो बहुत सारी बातें हम माफी कर देते हैं। तुमने कोई गुनाह किया फिर तुम्हारे हाथ उठ गए, हमने माफ कर दिया। तुमने कोई गुनाह किया, तुमने सदका किया, हमने माफ कर दिया। तुमने कोई गुनाह किया, तुमने सजदा किया, हमने माफ कर दिया। तुमने गुनाह किया, तुमने वुजू किया, हमने सारे गुनाह झाड़ दिए। तो कुछ आमाल ऐसे हैं कि जिनकी सजा भुगतनी पड़ती है लाजमी, लेकिन ज्यादा अमल ऐसे हैं अल्लाह फरमाता हम ज्यादा यूं ही माफ कर देते हैं। और अगर हम सारे माफ ना करें तुम चल ही ना सको, जिंदगी तुम्हारी गुजरे ही ना, इतनी मुसीबतें तुम्हारे ऊपर टूट पड़े, लेकिन तुम वो मनहूसा को करार दे के अपने ऊपर से टाल रहे हो, फलां मनहूसा इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, फलां ने तावीज डाल दी इसलिए सब कुछ हो रहा है, बिल्ली रास्ता काट की थी ये मुसीबतें सारी इसलिए आई हैं, ये तुम्हारे अंदर के ऐब हैं जो मुजस्सम होकर तुम्हारे सामने आए हैं।